राम रहीम को दो अलग अलग मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई जाने के बाद अब सवाल ये उठता है कि राम रहीम का वारिस कौन होगा। राम रहीम के वारिसों में दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है 35 साल की गुरु ब्रह्मचारी विपासना, जिन्हें डेरा समुदाय में दूसरे नंबर का माना जाता है। कुछ का मानना है कि जो रेप पीड़िता हैं उनको मुआवजे के तौर पर वारिस बना दिया जाए, पर ये तर्कहीन लगता है। बाबा गुरुमीत के बाद डेरा में विपासना का ही आदेश चलता है। हिंसा के बाद भी विपासना ने डेरा की सफाई पेश की। शांत बैठी संगत के अंदर गुंडा तत्व ने घुसकर जो ये घटना करवाई है, जिससे मीडिया की संपत्ति, आमजन की संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। वासना की भी डेरा की सत्ता तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी रहस्यमय है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन यही डेरा मैनेजमेंट के गर्ल्स कॉलेज में से किया है। फिर अचानक देखते ही देखते डेरा की नंबर दो बन गई। अब दूसरी दावेदार का नाम है हनीप्रीत, जिसे राम रहीम ने गोद ले रखा है। 7 साल पहले 28 साल की हनीप्रीत डेरा प्रमुख की राजदार बन गई थी। हनीप्रीत को गुरप्रीत के सबसे करीबी लोगों में माना जाता है। बाबा की जो फिल्में आती हैं उनके निर्माण में ही हनीप्रीत का प्रमुख रोल रहता है। हनीप्रीत की करीबी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब उनके सजा सुनाई गई तब भी हनीप्रीत ही उनके साथ थी। जब बाबा को जेल ले जाया जा रहा था तब भी बाबा के साथ हनीप्रीत ही थी। विपासना की राह में जो मुख्य कांटा है वो हनीप्रीत ही है, ऐसा माना जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि राम रहीम बाबा जेल जाने के बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। राम रहीम का सिरसा का कैंपस 800 एकड़ का है। देश भर में इनके 50 से ज़्यादा आश्रम हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी अकूत संपत्तियाँ हैं। बाबा राम रहीम की दो बेटियाँ हैं, चरणप्रीत और अमरप्रीत। ये सब तो डेरा प्रमुख की गद्दी का दावा नहीं ठोक सकते, पर डेरा समुदाय में जो इनके नाम से संपत्तियां होंगी उनमें ये अपना दावा जरूर ठोक सकते हैं।